हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग। दिस इज़ कंचन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। 10 अमेजिंग बेनिफिट ऑफ गिलोय। गिलोय प्लांट इज़ एन आयुर्वेदिक हर्ब दैट हैज़ बीन यूज्ड एंड एडवोकेट इन इंडियन मेडिसिन फॉर एजेस। इट्स बेनिफिट्स एंड यूजेस हैव बीन अप्रूव्ड बाय FDA, फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। आयुर्वेद एक ऐसी चिकित्सा पद्धति है जो प्राचीन समय से ही हमारे समाज में खास स्थान रखती है। आयुर्वेद में गिलोय के सेवन से होने वाले कई फायदों के बारे में बताया है। वैज्ञानिक रिसर्च के बाद प्राप्त हुए अध्ययन के आधार पर इसके कुछ खास फायदों को यहाँ बताया जा रहा है। बूस्ट इम्यूनिटी, ट्रीट्स क्रॉनिक फीवर, इम्प्रूव्स डाइजेशन, ट्रीट्स डायबिटीज, रिड्यूसेस स्ट्रेस एंड एंग्जाइटी, फाइट्स रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स, ट्रीट्स अर्थराइटिस, रिड्यूस एस्थमेटिक सिम्टम्स, इम्प्रूव विजन, रिड्यूसेस साइन ऑफ एजिंग। फर्स्ट, बूस्ट इम्यूनिटी। गिलोय इज ए यूनिवर्सल हर्ब दैट हेल्प बूस्ट इम्यूनिटी। इट इज़ ए पावर हाउस ऑफ एंटीऑक्सीडेंट जो कि फाइट करते हैं फ्री रेडिकल्स के साथ और हमारे बॉडी के सेल्स को हेल्दी बनाता है। और जो गिलोय होता है वो हमारे बॉडी में जितने भी टॉक्सिन्स होते हैं उसको रिमूव करने में हेल्प करता है, ब्लड को प्यूरिफाई करता है और बैक्टीरिया के साथ फाइट करता है। सेकेंड, ट्रीट्स क्रॉनिक फीवर। गिलोय जो होता है हमारे बॉडी से क्रॉनिक फीवर को रिमूव करने में हेल्प करता है। इट कैन ऑल्सो रिड्यूस साइन एंड सिम्टम्स ऑफ डेंगू, स्वाइन फ्लू एंड मलेरिया एज वेल। थर्ड, इम्प्रूव्स डाइजेशन। गिलोय बहुत ही बेनिफिशियल होता है डाइजेशन को इम्प्रूव करने के लिए। यू कैन टेक हाफ ए ग्राम ऑफ गिलोय पाउडर विद सम एलोवेरा। अगर आप इसे रेगुलरली कंज्यूम करते हो तो अगर आपको कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है तो वो ठीक हो जाएगी। फोर्थ, ट्रीट्स डायबिटीज़। गिलोय जूस बहुत हेल्प करता है हाई लेवल ऑफ ब्लड शुगर को कम करने के लिए। ऐसा माना जाता है कि अगर कोई डायबिटीज़ पेशेंट रेगुलरली गिलोय जूस कंज्यूम करता है तो उसका ब्लड शुगर लेवल बहुत बढ़ जाता है। इसलिए डायबिटीज़ पेशेंट को रेगुलरली अपना ब्लड शुगर लेवल चेक कराना चाहिए। फिफ्थ, रिड्यूसेस स्ट्रेस एंड एंग्जाइटी। इट कैन रिड्यूस मेंटल स्ट्रेस एज वेल एज एंग्जाइटी। गिलोय जूस आपके मेमोरी को बूस्ट करता है और आपके शरीर के सारे टॉक्सिन्स को रिमूव करता है और बॉडी को हेल्दी बनाता है। सिक्स, फाइट रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स। गिलोय के बहुत एंटी इन्फ्लामेटरी बेनिफिट्स होते हैं जो रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स लाइक फ्रिक्वेंट कफ, कॉल्ड, टॉन्सिल सबको रिड्यूस करता है। सेवेंथ, ट्रीट्स अर्थराइटिस। गिलोय में एंटी अर्थराइटिक प्रॉपर्टीज होती है जो अर्थराइटिस के सिम्टम्स को रिड्यूस करता है। अगर आपको जॉइंट पेन है तो आप गिलोय के पाउडर और मिल्क को साथ में बॉयल करके उसे कंज्यूम कर सकते हैं, आपके जॉइंट पेन कम हो जाएंगे। एट, रिड्यूसेस अस्थमेटिक सिम्टम्स। अस्थमा से बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं लाइक चेस्ट टाइटनेस, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, कफिंग, जो कि बहुत डिफ़िकल्ट होते हैं अस्थमा पेशेंट के लिए सांस लेने में। अगर अस्थमा पेशेंट रेगुलरली गिलोय जूस कंज्यूम करते हैं तो अस्थमा की प्रॉब्लम ख़त्म होने की ज़्यादा चांसेस होती है। नाइन्थ, इम्प्रूव विज़न। इन सेवरल पार्ट ऑफ इंडिया गिलोय प्लांट के जूस को डायरेक्टली आंखों पर अप्लाई करते हैं फॉर बूस्ट विज़न क्लैरिटी। आपको करना क्या है, पानी के साथ गिलोय पाउडर को बॉयल करके, अगर आपके पास ताज़ा गिलोय है तो और अच्छी बात है, नहीं तो आप गिलोय के पाउडर को भी यूज कर सकते हैं। जब बॉयल हो जाए तो उसे कूल डाउन होने तक छोड़ दें, फिर अपने आईलिड पर लगाएं, इससे आपके विजन में इम्प्रूवमेंट आएगी। टेंथ, रिड्यूसेस साइन ऑफ एजिंग। आजकल हर कोई चाहता है कि उसका एज कम लगे एक्चुअल जो है उससे। गिलोय प्लांट कंटेन एंटी एजिंग प्रॉपर्टी दैट हेल्प रिड्यूस डार्क स्पॉट, पिम्पल्स, फाइन लाइन्स एंड रिंकल्स। ऐसे और भी बहुत सारे डिजीजेज होते हैं लाइक पीलिया, डायरिया, अगर आप रेगुलरली गिलोय जूस कंज्यूम करोगे तो ये सारे डिजीजेज आपके बॉडी से रिड्यूस हो जाएंगे। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। अब मैं मिलती हूँ आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल। थैंक यू।